अभी 12 बज रहे हैं और सुबह से बारिश लगी हुई थी, देख सको पूरा आंगन पूरा गीला हो चुका है और अभी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी लगी है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज प्रणय शर्मा, यू आर वाचिंग प्रणय शर्मा व्लॉग्स। तो आज डेट है 26 जुलाई 2021। दादी मेरे को सुबह बोल रहे थे नहाने के लिए, पर मैं नहीं नहाया, और आज सुबह घास लाने के लिए जाना था हमने, पर सुबह बारिश लगी हुई थी और उसकी वजह से हम घास चाचू ले आए थे आज भी। तो मेरे को बहुत नींद आ रही है क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ना, मैं खाना ज़्यादा खा ही नहीं पा रहा यार। पता नहीं कल शाम के जो कुलचे खाए हैं वो डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, या आज सुबह मैं जब खाना खा रहा था मेरा पेट जल्दी भर जा रहा है, पता नहीं क्या वजह है इसकी। मैं सो गया था टेंशन में, मतलब टेन वगैरह बंद कर देते, बोल रहा था कि सो जाओ, फिर मैं सो गया। फिर उसका उठा, मेरा नई व्लॉग की स्टार्टिंग कर देता, नहीं तो अगर मैंने अभी व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की ना, फिर बाद में मन नहीं करता व्लॉगिंग का। वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए मैं मानता हूँ कि मतलब जो काम लगातार कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग कर देनी चाहिए सुबह, फिर वो खुद ही अपना मन बोलता रहता है, भाई टोकता रहता है, भाई कर आगे अभी बना कुछ। तो इस वजह से मैंने अभी व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी, तो मेरे को पूरा यकीन है कि व्लॉग तो मैं पूरा बना ही दूंगा। ये देखो इसका सोने का तरीका, इसने कर्टेन वगैरह सर बंद कर दिए, मेरे को भी इधर सुला दिया था, पर मैं उठ गया और अभी सोया नहीं है। मेरे को बताए नखरे कर रहा है तेश, हितेश देख कौन आया, देखो देखने, ये देखो लाइट कर बंद कर लेता कर रहा हूं। सो भी सवा दो हो रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो बारिश पूरी तरह रुक गई है और इस टाइम चाय पीने का टाइम हो गया और चाय पीने का मजा ले रहे हैं। इस पैकेट में इस प्रसाद था ना, अभी इधर रख दिया किसी ने, और इधर चींटियां चींटियां होगी, सारी चींटियां होगी इधर किसी ने, तूने तेरे काम होने। क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, छत्ता लेके जाएंगे, पापा को फोन आया था कि इधर जो एप्पल के पौधे हमने लगाए ना उस पर थोड़ा काम ताम जाम होता है, मेरे को करना पड़ रहा है, तो इसलिए किलनी ले लिया है, इसे भरना है। तो हमने एक को तो भर दिया, अब दूसरा यहाँ मिल नहीं रहा है तो उसको ढूंढ रहे हैं, वो किसका पेड़ है। चलते हैं, दो में से एक पौधा, एक ही पौधा मिला, दूसरा नहीं मिला। अभी इधर भी कुछ और पौधे, एक तो उधर घास बहुत है ना बरसात में, तो देखो इधर घास, देखो इधर इधर आ जाओ, इधर ढूंढते हैं ढूंढते हैं। देखो ये पानी सीधे जा रहा है धान की खेतों को, क्योंकि अब बारिश तो थोड़ी पूरे दिन लगी रहती है। क्या है अजीब सा कद्दू की बेल, सॉरी कद्दू लगानी है। क्या वीडियो कर, क्या है नहीं ये ओवर, देखो हजार बार समझाया मैंने, देख चल 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 चल, तो ऐसा हो रहा है वीडियो में ऐसे ध्यान से बनाइए। यहां पे वैसे था होने वाले पौधे ना, बच्ची को फोन ही कर लेते हैं और उसका पता करके आपको मिलते हैं। मैं मिल गया पापा से, हमने हमारी बातचीत होगी। तो इधर छह पौधे वो भी घास में, देखो इधर बता जा, मेरा हाथ जा रहा है उधर बता तो दिख रहा नहीं पा, कि तो तेजा सा रहा है इधर है ना, अब इसका घास जल्दी से निकालते हैं। चारों तरफ अंगूर की बेलें देख सकते हो आप, पीछे अंगूर की बेली हमने बनाया था इसके लिए स्टैंड, ताकि अंगूर की बेली इसके ऊपर हो सके। तो देखो पीछे बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही होगी है, तो तू मैं कर रहा हूँ अपना, तो तू कर पहले। सो फाइनली अभी हमने सारे काम निपटा दिए हैं और साथ में हमारे हाथ पांव भी सारे गंदे हो चुके हैं, और अभी अभी एक खुश खबरी आई है, हाथ धो लेता हूँ पहले। सो फाइनली एक खुश खबरी की बात है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, हितेश हो चुके हमारे हो गए हैं, ज्यादा खुशी हो रही है इसको, बहुत खुशी हो रही है। मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स पहली बार कंप्लीट किए मैंने, मतलब इस चैनल में नहीं हुए सॉरी, वो मेरे कोर चैनल है प्रणय शर्मा, उसमें 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, जिसपे मैं 1 ईयर पहले काम किया करता था। तो उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ अपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने तक, क्योंकि मैं 7-8 महीने से उस चैनल में एक वीडियो ने अपलोड किया है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ अपलोड करूँ, आज कल कर दूंगा और उसको दूसरे चैनल में अपने डाल दूँगा। व्लॉगिंग ही हमारा मेन चैनल है, ये अगर हम फ्री हुए तो हम चलेंगे कुछ पार्टी वगैरह करेंगे छोटी सी, एंजॉय हितेश को मैं मेरी तरफ से पार्टी दूंगा, दे दो खबरी भैया के 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए मम्मी, संदेश के फैन हो, क्या क्या बोल रहे हैं, 1000 होने फैन सब्सक्राइब ही है भाई, फैन भी है जा रहे हैं हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, उसकी खुशी में थोड़ा सा सेलिब्रेशन करने ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो चैनल मेरा मतलब उसको मैं चलाता था ज़्यादा, जब हमारे इस चैनल पर प्रोडक्शन ऑफ ब्लॉग्स पे अगर इतने सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तो कुछ नहीं करेंगे। चलो चलो छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, हम जा रहे हैं अब बिल्लू रानी पर और कुछ लेके आते हैं, स्टार्ट नहीं हो रही तो पैदल चलते, क्यों पैदल नहीं चल सकते, यही देखिए इधर जल्दी जा, जल्दी आ मंदिर भी जाइए, आते 18 साल का हो जा, उसके बाद तू चलाएगा, हम कहाँ चलाएंगे, सीधा सीधा चलाएंगे। देखो कितने साल का है, 10 साल का, ऐसे मतलब बिना स्टार्ट किए तू चलाता रहे, तू 18 ईयर्स का हो जाएगा, नहीं सीधा बस नहीं धीरे आए पहले दर्शन कर ले उसका, मैं चला रहा हूँ जब तू 18 ईयर्स का हो जाएगा, ओए बात माननी होती है बड़ों की, चलो उधर मंदिर चल अंदर।
तो अभी हम मंदिर की तरफ आए हैं, हम तो मेहनत करेंगे, भगवान हमारा साथ देंगे, तो वैसे वैसा ही है, हम मेहनत करते जाएंगे और भगवान साथ देते जाएंगे। तो कर लेते हैं अंदर दर्शन, क्योंकि जैसे कि आपको बताया अंदर लिखा है कि फोटो खींचना मना है, तो मैं शूट भी नहीं कर सकता, तो इसलिए बस बार बार से अगर आप आना चाहते तो आप इधर आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। हमने दर्शन तो कर लिए, अब मंदिर का जो भंडार है ना, जहाँ देव जी के रथ होते हैं, वो नीचे भंडार में होते हैं, तो उधर भी जाएंगे, क्योंकि जब हम पिछली बार आए थे तो अब देव वहाँ थे ही नहीं, दर्शन करेंगे, वो रथ है देव जी का, तो चलो उधर चलते हैं। मेरे को 20 मिनट है और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं जिम क्यों नहीं गया, तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरे को घर से कोई इंपॉर्टेंट काम था जो कि आज करना पड़ता था, और वो आज का दिन था और अभी 5 बजे के बाद ही होना था वो काम, तो इस वजह से मैं जिम नहीं जा पाया आज। वैसे मैंने सोचा था कि मैं रेगुलर जाऊंगा, अब मैं तो अपने खातिर चले जाऊँ, पर घर के काम होते हैं ना, पीछे जैसे देखो खेत का काम था, काम होता ना घर पर, इस वजह से मैं नहीं जा पाता, तो मेरे को देखना पड़ता है। घर में दीदी भी आने वाली है शायद, दीदी बोल रहे थे कि आने का, क्या पता आ जाए, मैं फोन को चार्जिंग को लगाता हूँ, क्योंकि मैंने दोपहर से फोन को चार्जिंग को लगाया और इस टाइम 30% चार्जिंग है, तो इसको जल्दी से चार्ज करते हैं। चल पानी को, सुबह भी नहीं गया था तू, 7 बजने वाले हैं, फिर रात हो जाती है, तेरे को पता है ना, उदय भी के नीचे स्नैंगो यू नो। हां भाई, रहने दे दादी को, दे डालना मेरे को मिल गया। साफ करते बच्चा पहले दी, मैंने को बोला अंदर आने को, चुन नहीं बिजी होता ना थोड़ा, समझ लेना होता है, अपने अपने को ले लो, ले लेता हूँ ये, ठीक है, कचरा डाल रहा क्यों इतनी आवाज है, मैंने बोला था मैंने नहीं खाना खाना। अभी मैं फ्रेंड्स से कुछ बात कर रहा था, मतलब जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे 10th 9th के, तो उनके साथ बात कर रहा था कि आगे क्या करना चाहिए, कहाँ एडमिशन वगैरह लेनी चाहिए, और नीचे खाना खाने बुला रहे थे, कम से कम मेरे को 15-20 आवाज़ें डाली ना खाना खाने के लिए, मैं दिखाया वाला मैं खाऊंगा नहीं खाना, मैं सुबह खा लूँगा, और ये देख सकते इतनी बार डाली, इतनी बार पता नहीं चीख रहा था, अजीब से बोल रहा था, मैं बोल रहा था पता नहीं क्या होगा, फिर नीचे आया तो ऐसे मुझे आकर रहा, बस प्रैंक करता रहता, आंखें दिखाने आती है तेरे को। तो बस आज के ब्लॉग को मैं इधर एंड करता हूँ, कल शायद मेरा मंडे जाने का प्लान बन सकता है, तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। बाय द वे अभी जाकर मेरा ब्लॉग एडिट हुआ है, इस टाइम 12:50 हो रहे हैं, सुबह गई शाम गए और रितेश तो सो गया जैसे कि बापू बताए, तो मैं भी सो जाता हूँ, क्योंकि सुबह को 6 बजे उठ के इसको अपलोड भी करना होता है। बाय।